and that emotional right now because I see all my girls and I really love my girls. I'm really very crazy for all these girls and they have been grooming with us like a family. And for me, all are winners. कोई भी ये मत सोचना कि ये विन कर रहे हो. I don't know who's going to win. I seriously, but I really wish everyone is a winner for me and I really wish a very good luck for all my winners. अभी ऐसा चीज है कि बिफोर द क्राउनिंग गोज द हार्ट बी द पैल्पिटेशन इज ऑन फॉर मी ऑल्सो नॉट जस्ट फॉर माई गर्ल्स बट आई रियली से यू आर फैमिली यू ऑल आर विनर्स एंड आई रियली लव यू ऑल वेरी मच कसम से थैंक यू सो मच सो दैट इज बीइंग एम्पावर्ड वुमन इज एम्पावरिंग वुमन दैट इज ऑल अबाउट परफेक्ट वुमन थैंक यू रोबल खुशीमा आई स्टार्टेड दिस पेज एंड जस्ट टू फॉर दिस इंटेंशंस वर वेरी क्लियर फॉर मी दैट इट शुड बी फॉर Every woman, Indian woman, Indian girls, for my Mrs. be it Mrs. or Miss, I didn't wanted any segregations for anyone. That it should be with any height or criteria should be there, because I always believed one thing: we women. रिस्ट्रिक्शंस के साथ हम ये शो कर रहे हैं उसी में एक बहुत बड़ी चीज है सो मेरे ख्याल से एक बार जोरदार सवाल आप सबके लिए कि आप सब यहाँ पर आए और हमारी महफिल में जमा दिया लवली थैंक यू सो मच सॉरी थैंक यू मैम ममता काबरिया मैं क्रिस्टीना डाइस और फर्स्ट रनर अप ऑफ मिस परफेक्ट ऑफ इंडिया आपने कौन सा विनर हुए बताएंगे आप तो पहले मुझे मिस फोटोजेनिक परफेक्ट फोटोजेनिक का सैशे दिया गया और फिर मैं फर्स्ट रनर अप ऑफ इंडिया ऑफ मिस परफेक्ट जीती यस मैं एक्चुअली मैं पहले मेरे को मिला बेस्ट आईज फिर मिस इंटेलेक्चुअल फिर फाइनली सेकंड रनर ऑफ परफेक्ट मिस ऑफ इंडिया 2021 इट्स टू मच एक्चुअली एक्साइटमेंट मुझे पता ही नहीं था कि मैं जीतूंगी करके सो इट इज आई एम टू एक्साइटेड एक्चुअली बहुत नर्वस थे हम इसको लेके क्योंकि हमने कभी भी इस तरह के ब्यूटी पेजेंट अटेंड नहीं किए थे तो इट वाज वेरी सीरियस फॉर मी मैं लाइक रात में सो नहीं पाती थी कि मैं जीतूंगी कि हारूंगी करके एंड यस हम लोगों ने बहुत ट्रेनिंग ली है खुशी मैम और गीत मैम ने दोनों ने बहुत ट्रेनिंग दी है उसके बाद हम लोग मतलब ये यहाँ पर खड़े हैं आज उन्होंने हमें ग्रूम किया है अच्छे से वॉकिंग सिखाया है ये सब उन्हीं की मेहनत है जो हमारे पीछे लगी हुई है आज का फिनाले परफेक्ट मिस ऑफ इंडिया का बहुत ही स्पेशल रहा है मेरे लिए सारे कंटेस्टेंट्स जो टॉप फाइनलिस्ट यहाँ पे रैंप पे वॉक कर रहे थे वो सारे विनर्स हैं सिर्फ इतना इमोशनल हो जाते हैं कभी क्योंकि क्राउन जो है वो तीन को चार को जाता है ज़्यादा नहीं लेकिन सभी इनविजिबल क्राउन यहाँ से लेकर जा रहे हैं वो है कॉन्फिडेंस का वो उनके फेथ का जो इनको यहाँ तक लेकर आया तो ये इनके कैलिबर है जो यहाँ तक इनको लाया है अब आगे की जर्नी इनको संभल कर चलनी है जी यस माय नेम इज़ ममता काबरिया आई केम फ्रॉम अहमदाबाद बट राइट नाउ आई एम स्टेइंग एट मुंबई एंड थैंक यू परफेक्ट वुमन एंड खुशी मैम एंड गीत मैम जो मुझे मौका मिला और आज मैं मतलब ये कॉन्टेस्ट जो मैं जीती हूँ इनकी वजह से जीती हूँ इन्होंने मुझे अच्छे से ट्रेन किया अच्छे से परफेक्ट बनाया इस रैंप पे चलने लायक बनाया तभी मैं यहीं हूँ थैंक यू सेकेंड मेरा नाम वाशिक नवी शर्मा है आई एम बेसिकली फ्रॉम असम पर मैं यूएस में वर्क करती हूँ आज सेकंड रनर अप हूँ मैं
यहाँ जितना सीखने मिला है वो शायद कहीं और मुझे नहीं मिलता, सो आई एम वेरी ग्रेटफुल टू परफेक्ट वुमन टीम, गीत मैम एंड खुशी मैम। तो मेरे यहाँ पे आज इंडिया है, ये गुजरात से है, ये आसाम से है और उत्तर प्रदेश। ये आप बोलिए। हाय, माय नेम इज़ प्रीति, आई एम फ्रॉम उत्तर प्रदेश। आज मैं परफेक्ट ब्यूटी का जो जीती हूँ कॉन्टेक्स्ट, ये सिर्फ इसलिए जस्ट बिकॉज इन्होंने इतना अच्छा ट्रेन किया, इतना अच्छा सिखाया है गीत मैम एंड खुशी मैम, एंड मैं अपने आप पे भी बिलीव करती हूँ बिकॉज आई एम प्योर हार्टेड एंड गुड इंटेंशन, सो थैंक यू सो मच। और मेरी ये ब्यूटीफुल सोल बोलिए। थैंक यू आप सबका पहली बात यहाँ पर आने के लिए और आपका समय देने के लिए। मेरा नाम क्रिस्टीना डायस है, मैं मुंबई से ही हूँ और मैं फर्स्ट रनर अप जीती हूँ आज। यहाँ पर आके मुझे सचमुच बहुत ज़्यादा खुशी है क्योंकि यहाँ पर जो मुझे सीखने मिला है वो मुझे बाहर सीखने नहीं मिला, और जो स्टेज, जो अपॉर्चुनिटी मुझे यहाँ मिली, जिस तरीके और जो वॉर्म्थ और वेलकमिंग नेचर था गीत मैम का, खुशी मैम का, और सारे लोग जो सामने नहीं पर जिन्होंने पर्दों के पीछे भी काम किया, उन सब के लिए थैंक यू। की तरफ से मैं डॉक्टर खुशी गुरु भाई ठक्कर आज ये कहना चाहूँगी कि एक इवेंट तभी बनता है जब उनके साथ में जो मीडिया है जिनका सहयोग है। तो मैं बीएनबी न्यूज़ के पवन, जो मिस्टर पवन भरद्वाज जी हैं, उनका तहे दिल से शुक्र अदा करना चाहती हूँ। आप बीएनबी न्यूज़ का मैं तहे दिल से शुक्र अदा करना चाहती हूँ क्योंकि आज उन्हीं का ये साथ है जिसकी वजह से हम यहाँ पे, तो वो एक अवॉर्डी ही नहीं है मेरे लिए, एक मेरे लिए भाई से बढ़कर हैं जिन्होंने आज मेरे इवेंट को यहाँ तक आने के लिए उन्होंने साथ दिया। तो थैंक यू सो मच पवन जी, आप दिखाई नहीं दे रहे थे मुझे, थैंक यू। प्लीज़ पवन जी आप यहाँ पे आएंगे तो मैं प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। मैं सभी पीआर मेरे लिए फैमिली है, हर पीआर के साथ में एक मेरा घर का रिलेशन रहा है। आज 11 साल से हम लोग मैगजीन इंडस्ट्री से, तो हम खुद एक मीडिया हैं और मीडिया ने हमेशा मेरा साथ दिया है। यहाँ तक कि जितने मेरे पीआर से हैं, 400-700 पीआर हैं मेरे साथ जो मेरे लिए मेरी फैमिली है। लेकिन मैं ये कहूँगी कि कल रात से जब से ये हमारा ट्रेनिंग हो रहा है तब से बीएनबी न्यूज़ ने एक फैमिली की से बढ़कर मेरा ध्यान दिया है, मेरे कंटेस्टेंट्स का ध्यान दिया है, उनके ग्रूमिंग में भी, क्योंकि पैंडेमिक था और हम लोग नहीं इतना ट्रेनिंग कर पा रहे थे, लेकिन पवन भरद्वाज जी ने मेरा जो साथ दिया, उनकी ट्रेनिंग के लिए साथ दिया और उनके सारी वीडियोज़ को अपलोड किया, उसके लिए मैं उनका तहे दिल से शुक्र अदा करना चाहती हूँ। शायद मैं वहाँ नहीं कर पाई लेकिन मैं दिल से उनका शुक्र अदा करना चाहती हूँ, मीडिया के सामने शुक्र अदा करना चाहती हूँ। पवन जी स्टार बन गए ना, नहीं आना चाहते पवन जी, प्लीज आपको आना होगा। आज की सक्सेस सबसे बड़ी यही है कि कोविड की रिस्ट्रिक्शंस को फॉलो करते हुए इतना कुछ होने के बावजूद अगर हम ये शो करते हैं, दैट इज़ अ सक्सेस। एंड आई रियली कॉन्ग्रेट्स टू ऑल दोज ब्यूटीफुल लेडीज एंड स्पेशल थैंक्स टू परफेक्ट वुमेन टीम, गुरु भाई सर, खुशी मैम, जिन्होंने इतना बड़ा शो किया, एंड ऑब्वियसली ऑल द मीडिया पार्टनर्स, एंड ऑलवेज हैविंग अ फेथ इन मी। दिस इज़ द बिगेस्ट अचीवमेंट फॉर मी इन माई लाइफ, स्पेशली माई फैमिली आज यहाँ पर है, माई मॉम, डैड, भैया, भाभी सब यहाँ पर है। सो फर्स्ट टाइम इट्स हैपन इन मुंबई कि मैं दिल्ली से आया और मेरी पूरी फैमिली आज मुंबई में है। सो वो भी आप लोगों मीडिया के सामने इतना प्यार दिया, थैंक यू। दिस इज द सक्सेस आई बिलीव फॉर द टुनाइट एंड दिस शाइनिंग क्राउन, यू कैन सी दिस इज द सक्सेस ओनली एंड ओनली बिकॉज ऑफ खुशी मैम, द बाय द परफेक्ट लेडी, द परफेक्ट वुमन। थैंक यू सो मच। एक मिनट अनुषा आ जाओ। सो ही फॉर द बेस्ट एंटरटेनमेंट ऑन द परफेक्ट रिसीवर्स अवार्ड सीजन 6। उनके आसपास के लोगों को कोविड हो गया था, तो इज अ क्वारंटीन एंड टेकिंग प्रिकॉशन। सो ऑन द बिहाफ ऑफ करणवी, मिस्टर सोहेल एंड डॉक्टर गीत जी टेकिंग द अवार्ड ऑन द परफेक्ट रिसीवर्स अवार्ड सीजन 6। थैंक यू। दिस अवार्ड इज फॉर करणवीर शर्मा। वी मिस्ड यू वेरी मच करणवीर जी आज। करणवीर शर्मा, कंग्रेचुलेशन, वी विश यू ऑल द वेरी बेस्ट और यू टेक योर, आप अपना ख्याल रखिए। और ये जो अवार्ड है उनको बेस्ट एंटरटेनमेंट फिल्म एंड एंटरटेनमेंट के लिए दिया गया है। करण, दिस इज फॉर यू मैन, कंग्रेचुलेशन वंस अगेन, और ऐसा ही आप लोगों को एंटरटेन करते रहिए। आई विश ऑल द बेस्ट। थैंक यू। सलमान आ जाओ। एंड टुडे वी हैव मिस्टर सलमान शेख, इज अ डायरेक्टर, और इन्होंने मुझे भी गाने के लिए डायरेक्ट किया, एसोसिएट किया है, जो सॉन्ग का नाम है तेरे बड़े नखरे है। इन्होंने मलंग में भी काम किया है मोहित सूरी के साथ, एंड इंडिपेंडेंटली मैंने अभी एक प्रोजेक्ट किया था रानी बंजा सॉन्ग, यस डायरेक्टर, और फाइनली अभी 4 सॉन्ग शूट किए हैं, वेरी सून बहुत जल्दी आने वाले हैं।